जूनियर हाई स्कूल की सरकार ने दी बड़ी राहत। तो आपको बता दें कि ठप पड़ी भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की अनुमति सरकार की तरफ से 2 जिलों के 15 जूनियर हाई स्कूलों में भर्तियां होंगी। शिक्षकों समेत करीब 100 पदों पर ये भर्तियां हो सकेंगी। हरिद्वार में 11, चमोली में 3 स्कूल इस लिस्ट में शामिल है। तो जूनियर हाई स्कूलों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। ठप पड़ी भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की इजाज़त सरकार की तरफ से दी गई है। तो 2 जिलों के 15 जूनियर हाई स्कूलों में ये भर्तियाँ हो सकेंगी, क्योंकि लगातार ये भर्तियाँ काफ़ी ठप पड़ी हुई थी। और इसी बीच संवाददाता सौरभ भाटिया हमारे साथ फोन लाइन पर। सौरभ, जूनियर हाई स्कूल को सरकार ने बड़ी राहत देते हुए भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की इजाजत दे दी है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया ठप पड़ी थी, शिक्षक स्कूलों में थे नहीं, शिक्षक विहीन स्कूलों में जो छात्रों को पढ़ना भी बहुत भारी पड़ रहा था, ऐसे में सरकार ने इन 15 स्कूलों को एक बड़ी राहत दी है। पहले ही सरकार ने माध्यमिक विद्यालयों को ऐसी एक राहत दी थी, आज जो है जूनियर हाई स्कूल को ये राहत मिली है, जिससे कहीं ना कहीं वो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं स्कूलों में उनको बड़ी राहत मिलेगी, उनको शिक्षक मिल सकेंगे। जल्दी जो है प्रक्रिया पूरी होने के लिए भी कहा गया है। आर मीनाक्षी सुंदरम जो विभाग के सचिव हैं, शिक्षा विभाग के सचिव हैं, उन्होंने सीधे तौर पर आदेश किया है कि जल्द से जल्द ये नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए, जिससे छात्रों को समय से शिक्षक मिल सके और उनका जो रिजल्ट होता है वो भी बेहतर हो सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। औबंधिक और मानदेय के आधार पर कार्यकृत शिक्षा मित्रों को स्थायी होने के लिए भविष्य में होने वाली चयन प्रक्रिया में ही शामिल होना होगा। 31 मार्च 2019 के बाद सीईटी और टीईटी पास करने वाले सभी शिक्षा मित्रों को तैनाती स्थल पर स्थायी नहीं किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इस बाबत सभी डीईओ और बेसिक को एडवाइजरी जारी कर दिया है। तो हाल ही में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने शैक्षिक योग्यता पूरी करने वाले शिक्षा मित्रों के मामलों को जल्द से जल्द निस्तारित करने के निर्देश भी दिए थे।